अस्सलामुअलैकुम। तो गाइस आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज 26वां रोज़ा है और आज हम जा रहे हैं सैरी करने। तो दोस्तों टाइम कुछ हो रहा है 2:06 हो रहे हैं, तो अब चलते हैं दोस्तों के बाद, देखते हैं भाई वहाँ जाके क्या सेटिंग होती है क्या होता है। हाँ तो भाई आ गए हैं चमन होटल, ये बैठे हुए भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है। तो आके मैं बैठ गया हूँ, ये दोनों बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं दूसरे लड़के कब तक आएंगे। अब तक एक बंदा आया ही, हमारा उस्मान आ गया भाई। उस्मान बेटा क्या हाल है, कभी लोग बन रहे हैं। हाँ जवाल का एक कॉल कर रहे हैं, ये 49 हो चुके हैं और अब तक कोई भी नहीं आया, बस सिर्फ एक ही आया। अलग मैं अब तो ये जा भी नहीं रहा और ना रमीज जा रहा है, अभी पता चला है मुझे। आ गए भाई, आ गए जवाद भाई, आ गए। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई, क्या हाल है, सब मजे में। ये सर भी आ गए भाई, शुक्र है सर लेकर आएंगे अपने बकरों का चारा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके। जल्दी आओ। हाँ तो भाई अब दोस्तों गाड़ी जो है बाइकें जो है हम अपनी सर के घर पे खड़ी करेंगे और ये जवाद भाई जो है हमें गाड़ी में पिक करेंगे। हाँ भाई क्या हाल है, निकाल सब कुछ मारी है, निकाल सब कुछ तेरी है, टिकट दे दे कार्ड पे लगा गाड़ी। चलो भाई एक खड़ी करें हम यहाँ पर। लगाओ ताला भाई। चलो भाई चलो। वाह भाई वाह भाई वाह। अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है भाई। सीडी ले गए आप। सीडी। अबे सर की घर, अबे तो ले चलना घर ही, ले चल घर चलने घर 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 से पिक कर रहे हैं, रमीज को भी पिक करना है हमें। तो भाई आयो तहसीन भाई, आयो तहसीन भाई, क्या हाल है तहसीन भाई। हमारे साथ जो है तहसीन भाई और अमीर भाई और बाकी जो है दूसरी गाड़ी में सत्ताईस हो गए। लगता है कि जिस तरीके की जवाब में स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं ऐसा लग रहा है कि हम भाई 10-15 मिनट में अनवर मटन पे पहुंच जाएंगे। फाइनली भाई 3:37 पे हम पहुंच गए हैं अनवर मटन। अब देखते हैं क्या सीन है, यहाँ बैठने का सीन तो है नहीं, अब बाहर जाके देखते हैं क्या बैठने का सीन है। हाँ भाई ये भाई पूरी स्पीड है यार, ये पूरी यहाँ से शुरू होती है, पूरा रश ही रश है। रात के ये टाइम हो रहा है और रश चेक कर रहे हैं रश कितना हो रहा है। बैठने की जहाँ पे पहले अक्सर जगह होती है यहाँ पे जा के लग रहा है ना, ये ले 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 वो ये व्हाइट शर्ट वाला सर देखे लग रहा है ना, कहीं हमें लग रहा है यार। हाँ मैं तो जगह पहचान नहीं भाई, अनवर बटन पे बकरे लटके हुए बकरे। यहाँ बैठेंगे भाई, यहाँ 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 जगह जल्दी जल्दी से जगह घेरो पहले। तकिया लो, गैदरिंग के ना सबसे पहले आके बैठो अच्छी जगह, वरना फिर आपको जो यकीन करो जैसे सर आके एंड में आ रहे हैं ना इनको जगह अच्छी नहीं मिलेगी। रुको जरा सबर करो यार, कुर्सी ला दो जरा भाई। ये बेरोज खा के आया, उसके बाद दिए ना अभी बच्चा खाएगा इसका अभी पेट भरेगा। इस दरिंदे को देख लें आप, ये पूरा बंदा खाने के बाद अभी भी इसको खाना है, सहरी कर रही है। एक मुर्गी देखा आपने लापरवाही का नतीजा। ओ एक मुर्गी, सॉरी बंदा नहीं, मुर्गी खाइए भाई मुर्गी। अरे तुम यार ये बैठे हैं बॉस, अभी सोच के फिर बता रहे, 2 मिनट दें, 2 मिनट हाँ बाबा 2 मिनट बस, बस 2 मिनट दे दो बस। धागा कबाब तो है उसके अलावा देख ले भाई। जवाद भाई ने हमारा खेल लिया और हम जो है ना अभी ये वाला इनका निकालते हैं। ओहो तहसीन भाई अपनी जमीन में कवर किया हुआ था, उसने शर्ट चोटी है, जमीन की शर्ट चोटी है यार। यार जवाद ये अच्छा कर दिया ना तुम्हारा।
यकीन करे उठ के मैंने कहा मैं थोड़ी सी इसकी वीडियो वगैरह बना लूं, ये इसने जगह ही घेर ली मेरी अब, लेकिन मैं आपके अभी लड़ता हूँ इससे। ये भाई कटाकट बन रहा है यहाँ पे, ये कटाकट बन रहा है अनवर मटा। अच्छा अंदर वो फैमिली रूम है, हाँ भाई क्या मंगवा रहे हो? रेट चेक करें, रेट कितने? मखनी कढ़ाई सही रहेगी मेरे, हाँ सही कह रहा है। एक मखनी कढ़ाई मंगा लेते हैं, एक मखनी कढ़ाई मंगा लेते हैं, ठीक है भाई। ये निकाल लेते हैं। हमारे ग्रुप में जो है ना, एक जो है ना, मतलब एक होते हैं ना मम्मी, खाने वाने सिलेक्ट करती है, वो यही है। आजा बाबा, ऑर्डर हो गया। वो मैं डाल लूंगा इन चीजों में, डाल आधा किलो मखनी कढ़ाई कंफ्यूजन हो रही है, कंफ्यूजन। एक वो कबाब फ्राई, कबाब फ्राई को मंगाना है फिर ना। तो मलाई बोटी को मंगा रहे हो? मलाई बोटी मंगा ले, एक मलाई बोटी, एक धागा कबाब और की लॉटरी नहीं ले भाई, और मम्मी बोल गई एक चरगा और एक टिक्का, बिहारी टिक्का, चिकन बिहारी टिक्का। मामा याद है ना सब कुछ? हाँ याद है। 5 minutes later ये कितनी कितनी? अबे रुक जा तहसीन, अबे क्या नान नहीं है? नहीं चपातियां होती हैं। क्यों नान नहीं है? चलो भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथे में तो दिखा देता डायरेक्ट, बिस्मिल्लाह चला दिया। बोला तो क्या गया था, आया क्या है? मलाई बोटी रायते वायते ले आओ, रायता कबाब, रायता है, रायता। चलो भाई अब खाना शुरू करते हैं, वरना ये सारे जो है ना भूखे हैं बहुत सारे, वरना ये सब खा जाएंगे। कबाब फ्राई हो रहा है, कबाब की तो तारीफ हो गई है। तो भाई जवाद भाई की फेवरेट चीज शहरी में दही जरूर खाने चाहिए इंसान। अबे आप क्या तारीफ क्या कर रहे थे, क्या उंदा क्या बोले थे भाई? खाना बेहतरीन बेहतरीन खाना, उंदा 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 भाई उंदा भाई, वाकई खाना बहुत टाइट था यार, फिर भी बच गया। सिर्फ कढ़ाई बची है, कढ़ाई कढ़ाई तो एक से ज्यादा बची है, कढ़ाई भी मतलब हो जाएगी। 5 minutes later अल्हम्दुलिल्लाह भाई तैयारी कर ली है, सब उठ गए, अब सब जा रहे हैं। रश देखें, अभी भी रश हो रहा है। लो भैया टांग फंस गई है तहसीन भाई। पानी दे देंगे, चाचा दे देंगे। कितना पानी पिया नहीं है क्या? एक घूट आखिरी जो है ना, गोल्डन गोल्डन घूट जवाद भाई ने पी लिया ना हमारे। रोसा बंद हो रहा है, जवाद भाई ने गलत कट ले लिया और उसके लिए अब रिवर्स कर रहे हैं हम, तो आप नियत कर लेते हैं। अभी सौ में गादन ना हुआ तो मिशर रमजान। चलो भाई अल्लाह हाफिज। ओके सर अल्लाह हाफिज। ओके भाई अल्लाह हाफिज, बहुत मजा आया। ओके भाई अल्लाह हाफिज। चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
बहुत मेहनत करता है लड़का। थैंक यू सर। भाई अब चलो भाई अपनी बाइक लेके अब घर की तरफ रवाना होता है। चलो भाई नमाज भी पढ़ लेते हैं, करते हैं यहाँ पे नमाज पढ़ते, फिर मिलते हैं नमाज के बाद। उस्मान भाई खड़े हैं यहाँ पे। चलो भाई घर की तरफ रवाना होता। चलो भाई फाइनली घर पहुंच गए हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। यार घर आओ ना, सबसे बड़ा मसला ये है कि गेट बंद हो जाता है यार। अब फ्लैर बजाइए देखो कौन आता है। 3 से 4 मिनट हो गए अभी तक कोई आया नहीं है यार। अभी छोटी बहन आई है, वो बोला कि नीचे आ जाओ भाई गेट खोल दो। इतना टाइट कोई वॉशरूम मारा है, यकीन करें इतना कोई टाइट वॉशरूम मारा है। वहाँ पे पानी वानी पिए सब पिए। बेटा कुंडी लगी हुई, कुंडी फ्री हो गया था दोस्तों। तो फिर इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। और दोस्तों डोंट फॉरगेट द लाइक बटन, शेयर बटन एंड कमेंट। और दोस्तों मुझे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी है, रिक्वेस्ट ये है कि दोस्तों प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए और जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, कि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।